hello students in this video i have kumar going to solve the problems of ncert textbook of chapter 7 alternating current ac of class 12 from problem problem number 7.8 to 7.5 it is part 5 of this chapter that is alternating current डियर स्टूडेंट्स ये सभी प्रॉब्लम्स जो कि एन सी टेक्स्ट बुक के प्रॉब्लम्स हैं इस वीडियो में सॉल्व किए जाएंगे ये सभी न केवल क्लास ट्वेल्व सी बी एस ई बोर्ड तथा सभी स्टेट बोर्ड्स के लिए यूजफुल हैं इसके अलावा नीट मेडिकल इंट्रेंस की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए एन के इंट्रेंस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए बी एस इंट्रेंस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी उतना ही उपयोगी है तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं शुरू करते हैं प्रॉब्लम नंबर वन दैट मीन्स 7.1, 7.1, वन सेवन चैप्टर का फर्स्ट प्रॉब्लम अल्टरनेटिंग करंट, चैप्टर सेवन क्लास ट्वेल्व एन सी आर टी टेक्स्ट बुक प्रॉब्लम इज ए हंड्रेड ओम रेजिस्टर इज कनेक्टेड टू टू वोल्ट फिफ्टी हंड्रेड फिफ्टी हड सप्लाई हर्ज इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। नंबर वन व्हाट इज द आर्मेस वैल्यू ऑफ करेंट इन दर्किट एंड नंबर टू व्हाट इज़ द नेट पावर कंज्यूम्ड ओवर वन ए कंप्लीट साइकिल एक हंड्रेड ओम का रजिस्टर है उसको टू ट्वेंटी फिफ्टी वोल्ट फिफ्टी हर सप्लाई से कनेक्ट एसी सप्लाई से कनेक्ट किया गया है इसके डायग्राम को भी स्केच किया जा सकता है क्योंकि ए सर्किट ए वोल्टेज अप्लाई टू रजिस्टर ओनली हम लोग इसी चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं ये आर है रजिस्टर है और इसको ए सोर्स से कनेक्ट कर दिया गया है ए वोल्टेज अप्लाई किया गया है और ए वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज का वैल्यू भी दिया है भी और ये सप्लाई वोल्टेज वीइजल टू इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एसी एसी सप्लाई वोल्टेज को भी वीइजल टू वी नॉट साइनोम इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज को हम रिप्रेजेंट करते हैं वीइजल टू वी नॉट साइट साइनोमगाटी वेयर वी नॉट इज द पिक वोल्टेज पिक वोल्टेज ए सी से अब ए सी सिग्नल को ए सी सोर्स को इस रजिस्टर से कनेक्ट कर दिए तो रजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफेंस सेटअप होगा उसके कारण इस सर्किट से करंट का फ्लो होगा आए तो यहाँ सप्लाई वोल्टेज दिया है प्रॉब्लम में हंड्रेड ओम रजिस्टर है इट इज गिवन नाउ वी हैव टू सॉल्व इट इट इज गिवन रजिस्टर रजिस्टर ऑफ द रजिस्टर इज हंड्रेड ओम एंड टू ट्वेंटी वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज भी है एक्चुअली सप्लाई वोल्टेज ही रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज है भी इजकल टू तो भी एकवल्स टू भी आर सप्लाई वोल्टेज को ही रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज समझना चाहिए तो भी के जगह भी आर एम एस वी इजकल टू भी आर एम एस इक्वल्स टू टू ट्वेंटी वोल्ट इट इज टू ट्वेंटी वोल्ट एंड फिफ्टी हंड्रेड सप्लाई फिफ्टी हर सप्लाई है एन फ्रीक्वेंसी एन एंगर फ्रिक्वेंसी इज टू टू पाई टाइम्स फ्रीकवेंसी एंगुलर जो होता है जिसे हिंदी में कुनी वे कहा जाता है कूनी आवृत्ति कहा जाता है वह फ्रीक्वेंसी आवृत्ति का टू पाई टाइम्स होता है एन इज कल टू फिफ्टी हर्ज बिकॉज ऐसा यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ज अब हमें मालूम करना है व्हाट इज द आर वैल्यू ऑफ़ करेंट इन द सर्किट आई आर एम एस आर एम एस वैल्यू ऑफ़ करेंट आई आर एम एस सिम्बॉल आर एम एस वैल्यू ऑफ करेंट का क्या होता है आई आर एम एस आई रूट करेंट रूट मीन स्क्वायर करंट आई आर एम एस और आई आर एम एस का फॉर्मूला आई नॉट बाई रूट टू भी होता है आई आर एस आई आर एस वोल्टेज आर एस सॉरी आर एम एस करेंट रूट मीन स्क्वायर करंट एंड पीक करंट आई नॉट के बीच रिलेशन होता है आई आर एस इजकल टू आई नॉट बाई रूट टू लेकिन यहाँ पर पिक पिक वैल्यू ऑफ ए सी पिक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट ये मालूम ये नहीं दिया है प्रॉब्लम में सो इट इज़ नॉट गिवन इन द प्रॉब्लम पिक वैल्यू ऑफ करंट सो वी सिंपली अप्लाई हेयर ओम्स लॉ हम ओम्स लॉ को अप्लाई करेंगे और इससे अपना रिजल्ट ऑप्टेन करेंगे तो आई आर एस इजकल टू यूजिंग ओम्स लॉ आई इज कल टू वी वाई आर दैट इज वी इज कल टू आई आर देयर फोर आई आर एस इज कल टू वी आर एम एस अपॉन आर ये हो गया वी आर एम एस अपॉन आर रेजिस्टेंस अब वी आर एम एस इज गिवन टू ट्वेंटी सप्लाई है सप्लाई वोल्टेज ही वी आर एम एस वोल्टेज है रूट मिन स्क्वायर वोल्टेज है एंड आर इज गिवन हंड्रेड हंड्रेड एक जीरो कैंसिल हो गया न्यूमरेटर न्यूमरेटर का दैट इज ट्वेंटी टू बाई टेन डेट इज टू पॉइंट टू एम टू पॉइंट टू एम इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम विच इज़ द आर एम एस करेंट रूट मिन स्क्वायर करंट ऑफ द सर्किट सर्किट इज ओनली रजिस्टिव सर्किट ओनली रजिस्टर इज प्रेजेंट इन दिस सर्किट विच इज कनेक्टेड टू ए सी कनेक्टेड टू एन ए सी सोर्स हु सप्लाई वोल्टेज इज इवन बी आर एम एस इज्वल टू टू ट्वेंटी वोल्ट सप्लाई से कनेक्टेड है तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया वाट इज द आर एम एस वैल्यू ऑफ करेंट इन द सर्किट ये आई आर एम एस इजल्टी आर नाउ वी हैवी हैव टू फाइंड वाट इज़ द नेट पावर कंज्यूम्ड ओवर ए कंप्लीट साइकिल एसी सोर्स से कनेक्ट किया गया है रजिस्टर को तो एसी सोर्स के सप्लाई के एक कंप्लीट साइकिल में एसी सप्लाई के एक कंप्लीट साइकिल में हाफ पोर्शन पॉजिटिव और फिर हाफ पोर्शन निगेटिव होता है मतलब हाफ uh, साइकिल के बाद डायरेक्शन चेंज हो जाता है तो वन कम्प्लीट साइकिल में नेट पावर जो कंज्यूम होता है उसके लिए फार्मूला होता है उसके लिए वी हैव टू यूज दिस फार्मूला नेट पावर कंज्यूम्ड इन वन कंप्लीट साइकिल ऑफ एसी नेट पावर कंज्यूम्ड और एवरेज पावर कंज्यूम्ड तो उसके लिए फार्मूला होता है पी एवरेज पी ए भी यहाँ लिखें या पी डैश पी बार लिखें या इसको एंगुलर ब्रैकेट के रूप में एंगुलर एंगुलर ब्रैकेट में इसको के अंदर रखें पी को सभी नेट uh, पावर है एवरेज पावर इन वन कंप्लीट साइकिल पी बार से यहाँ पर सिंबल uh, का यूज uh, किया जा रहा है तो नेट पावर सब कंज्यूम्ड ओवर वन कंप्लीट साइकिल इज वी आर एम एस वी आर एम एस मल्टीप्लाइड बाई आई आर एम एस मल्टीप्लाइड बाई पावर फैक्टर विच इज कॉस फाइव कॉस फाइव इज कॉल्ड पावर फैक्टर ऑफ ए सी सर्किट एयर ए सी सर्किट कंटेनिंग रजिस्टर वनली बट इन वी नो डेट इन रजिस्टिव सर्किट वोल्टेज एंड करेंट लाइन द सेम फेज हमने रजिस्टिव सर्किट में पढ़ा डिस्कस किया पिछले वीडियो में कि जिसमें रजिस्टिव सर्किट का ए सी वोल्टेज अप्लाइड टू रजिस्टर टू ए रजिस्टर तो उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था हम लोगों ने देखा था फेजर डायग्राम भी देखा था और भी इजकल टू जो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज भी इजकल टू भी नॉट साइन होम गया टी और इंस्टेंटेनियस करंट आई इजगल टू आई नॉट साइन हो गया टी तो देखा था कि दोनों में लास्ट में ओमेगा टी भी इजगल टू वी नॉट साइन हो गया टी तु तु आई इज टू आई नॉट साइन हो गया टी दोनों में कोई फेज एंगल दोनों सेम फेज में मतलब दोनों में कोई फेज एंगल प्लस या माइनस नहीं था फाइव फेज एंगल फाइव न तो एट वोल्टेज में ऐड था ना करंट में ऐड था ना ही किसी में माइनस था तो इसका मतलब है दोनों सेम फेज में होता है सेम तो फेज के में होगा तो फाइव इजकल टू जीरो एंड कॉस जीरो इजकल टू वन है हेयर फॉर रजिस्टिव सर्किट फॉर ए रजिस्टिव सर्किट फॉर ए रजिस्टिव एसिक सर्किट कॉस फाइव इजकल टू वन फेज एंगल इज जीरो फेज एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करेंट इज जीरो सो कॉस जीरो इजकल टू वन सो वी हैव ओनली कॉस फाइव इजकल टू वन हेयर फॉर ए रेजिस्टिव सर्किट तो फॉर ए एरेस्टिव सर्किट कॉस पाई इजकल टू जीरो फॉर ए स्टीव सर्किट फाइव इज जीरोर फोर फेज एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करेंट इज जीरो फॉर ए रेजिस्टिव सर्किट फेज एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करेंट बी एंड आई जीरो एंड देर फोर कॉस पाई इजकल टू कॉस जीरो इजकल टू वन कॉस फाइव देयर फॉर कॉस फाइव मीन्स कॉस जीरो इजकल टू वन कॉस जीरो डिग्री इजकल टू वन कॉस जीरो इजकल टू वन देयर फॉर एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन वन कंप्लीट साइकिल ऑफ ए सी इन द रेस्टिफ सर्किट इज पी पी बार दैट इज पी एवरेज इजकल टू बी आर एम एस बी आर एम एस दिया है टू ट्वेंटी वोल्ट मल्टीप्लाइड आई आर एम एस अभी हमने ऑप्टेन किया टू पॉइंट टू एमपीयर टू पॉइंट टू एम्पियर टू एंड कॉस फाइव कॉस जीरो इज्गल टू वन दैट इज़ वन मल्टीप्लाइड बाई वन कॉस फाइव कॉस जीरो वन अब यहाँ पर जीरो uh, से ये डिसमल दैट इज़ ट्वेंटी टू बाई टेन ये जीरो डिसमल से जीरो न्यूटलाइज हो जाएगा दैट इज़ ट्वेंटी टू इंटू ट्वेंटी टू दैट इज़ फोर एटी फोर आफ्टर मल्टीप्लाइंग ट्वेंटी टू एंड ट्वेंटी टू वी गेट वी कैन ऑफ टेन फोर एटी फोर वाट वाट इसके लिए सिंबल W यूज किया जाता है दिस इज आंसर ऑफ Second part of the problem that is average power consumed in one complete cycle of AC in the resistive circuit is 484 watt. Now we have to solve problem number 7.2, and it is very important for not only. सी बी एस ई ट्वेल्थ बोर्ड बट ऑल्सो फॉर डिफरेंट अस्टेट बोर्ड्स एग्जामिनेशंस यह प्रॉब्लम या इस टाइप का प्रॉब्लम सी बी एस ई बोर्ड के अलावा अस्टेट बोर्ड्स में भी कई बार पूछा गया है डिफरेंटेट स्टेट बोर्ड्स में भी कई बार पूछा गया द प्रॉब्लम इज पार्टे द पिक वोल्टेज ऑफ एन ए सी सप्लाई इज थ्री हंड्रेड वोल्ट वाट इज इज आर एम एस वोल्टेज एंड पार्ट बी इज द आर्मेस वैल्यू ऑफ करेंट इन एंड एसी सर्किट इज टेन एम्पीयर वाट इज द पिक करेंट नाउ वी हेव टू साव इट इन पार्ट ए नाउ प्रॉब्लम नंबर सेवन पॉइंट टू पार्ट एज द पिक वोल्टेज ऑफ एन एसी सप्लाई इज थ्री हंड्रेड वोल्ट व्हाट इज इट्स आर्मेस वोल्टेज एंड पार्ट बीच द आर्मेस्ट वैल्यू ऑफ करेंट इन एन ए सी सर्किट इज टेन एम पियर व्हाट इज व्हाट इज दिक करेंट और यह प्रॉब्लम या इस टाइप का प्रॉब्लम क्लास ट्वेल्व सी बी एस ई बोर्ड तथा स्टेट बोर्ड्स के लिए इम्पॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन में टू मार्क्स में या कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी वन मार्क्स में भी इसे कई बार पूछा जा चुका है तो पार्ट ए को पहले सॉल्व करते हैं पीक वोल्टेज ऑफ एनिशी सप्लाई इज 300 हंड्रेड इट इज गिवन पीक वोल्टेज मीन्स वोल्ट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज दैट इज वी नॉट सिम्बॉल ऑफ पिक वोल्टेज इज वी नॉट विच इज थ्री हंड्रेड वोल्ट थ्री हंड्रेड भी सिम्बॉल ऑफ वोल्टेज वी वाट इज इज आर एम वोल्टेज वी आर मालूम करना है पार्ट ए में तो वी आर का फार्मूला है भी आर एस और भी आर एस मतलब आर एस वोल्टेज रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज एंड पिक वोल्टेज के बीच में रिलेशन है डायरेक्ट वी नो डैट भी आर एस इजकल टू भी नॉट बाई रूट टू एंड भी आर एस इजिवें थ्री हंड्रेड बाई रूट टू डेट इज थ्री हंड्रेड बाई रूट टू वोल्ट या इसको रूट टू का वैल्यू इसे रूट टू से ऊपर नीचे न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे में रूट टू इंटू रूट टू डेट इज टू ऊपर में भी रूट टू होगा और टू से थ्री हंड्रेड कैंसिल हो जाएगा तो इसे लिखा जा सकता है वन फिफ्टी रूट टू वोल्ट थ्री हंड्रेड बाई रूट रूट टू वोल्ट या वन फिफ्टी रूट टू वोल्ट और वन फिफ्टी मल्टीप्लाइड बाई रूट टू का वैल्यू वन पॉइंट फोर वन फोर वन पॉइंट फोर वन फोर वोल्ट डैट इज मल्टीप्लाई करने के बाद नियरली ट्वेल्व वोल्टे ट्वेल्व पॉइंट वन वोल्ट ट्वेल्व वोल्ट नियरली इसका आंसर होगा ट्वेल्व भी वी आर एम एस एंड दिस इज आर एम एस वोल्टेज तो पार्ट ए का सोल्यूशन हो गया आर एम एस वोल्टेज वी आर एम एस नियरली ट्वेल्व वोल्ट या थ्री हंड्रेड रूट टू एंड थ्री हंड्रेड अपॉन रूट टू वोल्ट नाउ पार्ट बी सोल्यूशन ऑफ पार्ट बी पार्ट बी इट इज गिवन इन पार्ट बी डैट आर एस वैल्यू ऑफ करेंट इन एंड ए सी सर्किट इज टेन एम्पियर यहाँ पर आर्म एस वैल्यू करेंट का दिया हुआ है पार्ट बी में एस किसी ए सर्किट में किसी ए सर्किट में करंट का आर वैल्यू टेन एम्पियर है व्हाट इज द पिक करंट पिक करंट क्या होगा आई नॉट वह मालूम करना है इट इज़ गिवेन आई आर एम एस आई आर एम एस रूट मीन स्क्वायर करंट इज टेन एम्पियर वी हैव टू फाइंड आई नॉट हमें पिक करंट मालूम करना है अब यहाँ भी आर करंट एंड पिक करंट के बीच हम रिलेशन जानते हैं आई आर एम एस टू आई नॉट अपॉन टू अपॉन रूट टू तो सिंस आई आर एम एस इक्वल्स टू आई नॉट अपॉन रूट टू देयर फॉर पिक करेंट आई नॉट इक्वल्स टू आई आर एम एस आई आर एम एस मल्टीप्लाइड बाई रूट टू एंड आई आर एम एस इज गिवेल टेन एम्पियर दैट इज आंसर इज टेन रूट टू एम्पियर पिक करेंट आई नॉट इज टेन रूट टू एम्पियर ये भी आंसर इसका आंसर हुआ और रूट टू का वैल्यू वन पॉइंट फोर वन या वो फो वन पॉइंट फोर वन फोर पुट करेंगे तो उस एक और भी आंसर होगा इसका वन पॉइंट फोर वन डैट इज फोर वन फोर डैट इज वन पॉइंट फोर वन डिसमल के दो ही प्लेस तक यहाँ रखा जाता है वैल्यू तो टेन इंटू वन पॉइंट फोर इस वन दैट इज इसमें टेन मल्टीप्लाई हो जाएगा वन पॉइंट फोर वन मल्टीप्लाई बाई टेन डैट इज फोर्टीन पॉइंट वन फोर्टीन पॉइंट वन एफ दिस इज पीक वैल्यू ऑफ पीक वैल्यू ऑफ एसिंग पीक करेंट इन द सर्किट इज आई दर टेन रूट टू एम्पियर बिकॉज आई नॉट इज कल टू आई आर आई आर मेस मल्टीप्लाइड बाई रूट टू यूजिंग द फॉर्मूला और पीक करेंट इज कल टू फोर्टीन पॉइंट वन एम्पियर आफ्टर आफ्टर सफ्यूटिंग वन पॉइंट फोर वन फॉर रूट टू प्रॉब्लम नंबर सेवन पॉइंट थ्री विच इज ए फोर्टी फोर एम एच डैट इज मिली हैंनरी इंडक्टर इज कनेक्टेड टू टू ट्वेंटी वोल्ट फिफ्टी हर ए सी सप्लाई डिटरमाइन द आर्मेस्ट वैल्यू ऑफ द करेंट इन द सर्किट एक इंडक्टर है जिसका इंडक्टेंस दिया है इट इज इवेन इंडक्टेंस सिम्बॉल ऑफ इंडक इंडक्टेंस इज एल इंडक्टन्स का सिम्बॉल कैपिटल एल है जिसे हिंदी में प्रेरकत्व कहा जाता है इंडक इंडक्टेंस को Uh, 44 फोर मिली हैंनरी दैट इज फोर्टी फोर एम एच स्मॉल एम कैपिटल एच सिम्बॉल मिली हैंनरी का और वन मिली इज टेन टू पावर माइनस थ्री डैट इज फोटी फोर इंटू टेन टू डी पावर माइनस थ्री हैंनरी और कनेक्टेड है टू ट्वेंटी वोल्ट सप्लाई वोल्टेज से टू ट्वेंटी वोल्ट तो सप्लाई वोल्टेज भी और यही सप्लाई वोल्टेज आर एम एस वोल्टेज होता है रूट मिन स्क्वायर वोल्टेज तो भी इज टू भी आर एम एस इक्वल्स टू टू ट्वेंटी वोल्ट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ए सी सप्लाई इज फिफ्टी हर्ज इज एंड सिंबल ऑफ फ्रीक्वेंसी इज स्मॉल एन और न्यू 50 हर्च तो हमें मालूम करना है डिटरमाइन द आर्म वैल्यू ऑफ करेंट इन द सर्किट और यहाँ सर्किट में ए सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर ओनली केवल इसमें एक ही कंपोनेंट है इंडक्टन इंडक्टर है जैसे कोई क्वाइल हो गया या सोलिनोइड हो गया इंडक्टर का एग्जाम्पल और इसको इंडक्टर को कनेक्ट कर दिया गया है एसी सोर्स से और जिसका सप्लाई वोल्टेज का आर्म वैल्यू दिया हुआ है सप्लाई वोल्टेज दिया है मैंने आर्म एस भेज कर तो भी आर एस मालूम है यहाँ पर यही भी है डीजिकल टू वी आर एम एस सप्लाई वोल्टेज ए सी सोर्स ए सी सोर्स का सिंबॉल और इसको इंडक्टर इंडक्टर को ए सी सोर्स से कनेक्ट किया गया है इंडक्टर में करंट फ्लो करेगा तो उस करंट का वैल्यू आर एम एस करंट का वैल्यू मालूम करना है इंडक्टर से होकर रूट मिन स्क्वायर करंट का वैल्यू तो डिटरमाइन द आर एम एस वैल्यू ऑफ करेंट इन द सर्किट आई आर एम एस मालूम करना है आई आर एम एस डिजिकल टू वाट यूजिंग द फार्मूला अगेन आई आर एम एस का दो फार्मूलै दो रिलेशन होता है एक आई पिक करंट से रिलेटेड होता है तो पिक करंट यहाँ तो है नहीं इस प्रॉब्लम में दिया तो अब हम ओमसला की ओर देखेंगे तो आई आर एस स्कल टू वी आर एम एस भाई आर होता है स्टीप सर्किट में लेकिन यहाँ तो इंडक्टर है जिसका इंडक्टन सेल है इसका इंडक्टर है कॉयल है जिसका इंडक्टेंस एल है तो इंडक्टेंस या इंडक्टर जो करंट के फ्लो में अपोजिशन ऑफर करेगा उसको इंडक्टिव रिएक्टेंस कहा जाता है वह होता है ओमेगा एल ओमेगा इज्कवल टू टू पाई एन इन टू एन बिकाउज एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज नॉट गिवन फ्रिक्वेंसी इज गिवन यहाँ एंगुलर फ्रिक्वेंसी को आवृत्ति नहीं दिया है फ्रिक्वेंसी दिया, दिया हुआ है एसी सप्लाई का एन स्मॉल एन दिया हुआ है ओमेगा इज़ नॉट गिवेन सो आई आर एम यूजिंग ऑन स्लॉ वी हैव आई आर एम इक्वल्स टू वी आर एम और ए सर्किट रहता तो अपॉन आर होता है लेकिन यहाँ पर इंडक्टर के फ्लो में रिस्ट्रिक्शन प्रोड्यूस करता है उसे इंडक्टिव रिएक्टेंस कहा जाता है एक्सेल उसका सिंबल एक्सेल होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस का और इसे लिखा जा सकता है वी आर एम अपॉन एक्सेल एक्सेल इज एल ओमेगा इंडक्टिव रिएक्टेंस इज एल ओमेगा इंडक्टर का जो है रेजिस्टेंस होगा उसको इंडक्टिव रिएक्टेंस कहा जाता है और इसका फार्मूला है एक्सेल इजकल टू सिंबॉल एक्सेल है और एक्सेल इजकल टू एल ओमेगा लेकिन यहाँ पर ओमेगा मालूम नहीं है एल दिया है वी आर एम दिया है और इंडक्टेंस दिया है फोटी फोर मिली हेनरी दैट इज़ फोर्टी फोर इंटू टेन टू दी पावर माइनस थ्री हेनरी तो देर फोर आई आर एम एस इज्कल टू देर फोर आई आर एम एस रूट मिन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट इन दिस सर्किट इज वी आर एम वी आर एम इज गिवेन एल ओमेगा ओमेगा इज इजकल टू टू पाई एम तो वी आर एम इज गिव सप्लाई वोल्टेज टू टू ट्वेंटी वोल्ट अपॉन एल एल इज गिव फोटी फोर इंटू टेन टू डी पावर माइनस थ्री एंड ओमेगा इज टू पाई एन डैट इज़ टू पाई मल्टीप्लाइड बाई एन फ्रीकवेंसी इज फिफ्टी फ्रीकवेंसी इज फिफ्टी और पाई की जगह ट्वेंटी टू बाई ट्वेंटी टू बाई सेवन या थ्री पॉइंट वन ट्वेंटी टू पाई की जगह पर ट्वेंटी टू बाई सेवन और थ्री पॉइंट वन फोर थ्री पॉइंट वन फोर रखा जा सकता है इक्वल्स टू तो ये जीरो से ज़ीरो कैंसिल हो गया यहाँ पर और ट्वेंटी टू से टू फोर्टी फोर कैंसिल हो गया वन बाई टू डेट इज वी हैव वन बाई टू टू इंटू टू फोर हो गया नीचे में फोर फोर इंटू फाइव डेट इज़ ट्वेंटी ट्वेंटी और यहाँ पर टेन टू पावर माइनस थ्री है तो टू इंटू टेन टू पावर माइनस टू हो जाएगा जीरो एक न्यूट्रलाइज़ हो जाएगा इससे तो फाइव इंटू टू टेन टेन मल्टीप्लाइड बाई टू ट्वेंटी तो ट्वेंटी केवल टू ही करते हैं और यहाँ पर एक टेन न्यूट्रलाइज करा देते हैं टेन टू पावर माइनस वन माइनस थ्री पावर से टेन टू पावर प्लस वन तो टू इंटू टू इंटू पाई का वैल्यू ट्वेंटी टू बाई सेवन और थ्री पॉइंट वन फोर और इंटू टू इंटू टू डेट इज फोर और पाई का वैल्यू और इंटू फाइव था ट्वेंटी तो ट्वेंटी की जगह टू इंटू टू फोर और फोर मल्टीप्लाइड बाई फाइव डैट इज ट्वेंटी तो ट्वेंटी की जगह टू और इसका टेन जो है न्यूट्रलाइज करा दिए एक पावर माइनस थ्री से तो टेन टू पावर माइनस टू तो तो और पाई का वैल्यू ट्वेंटी टू बाई सेवन और थ्री पॉइंट वन फोर थी फोर सेवन ऊपर चला जाएगा दैट इज सेवन मल्टीप्लाइड बाई सेवन इंटू टेन टू पावर माइनस टू है ऊपर जाके प्लस टू तो सेवन इंटू टेन टू पावर प्लस टू दट इज़ सेवन हंड्रेड ऊपर में टेन टू पावर न्यूमरेटर में चला जाएगा प्लस टू दट इज़ सेवन इंटू टेन टू पावर टू मीस सेवन इंट वन हंड्रेड सेवन हंड्रेड और नीचे में हो जाएगा ट्वेंटी टू इंटू टू चूँकि सेवन ऊपर चला गया ट्वेंटी टू बाई सेवन है तो फोर्टी फोर फोर्टी फोर टिकेट फिफ्टी नाइन पॉइंट सॉरी फिफ्टीन पॉइंट आई आर में पॉइंट

एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटन सिक्सटी फैराड है और उसको एक ए सप्लाई से कनेक्ट किया गया है जिसका आर वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज और आर वोल्टेज भी आर एम वोल्ट है तथा तो ए की फ्रिक्वेंसी सिक्सटी हर्ज है तो आर्म वैल्यू ऑफ़ करेंट उस सर्किट में दैट इज कैपेसिटिव सर्किट दैट इज ए सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर वनली ए सर्किट में केवल कैपेसिटर होगा तो उसका उस सर्किट में आर्म वैल्यू ऑफ करंट को मालूम करना है नाउ वी हैव टू सॉल्व इट या इट इज गिवेन कैपेसीटन्स सिम्बॉल ऑफ कैपेसिटेंस इज सी कैपेसिटन्स का सिम्बॉल कंडेंसर का कैपेसिटर का सी सिक्सटी माइक्रो फैराड सिक्सटी माइक्रोफैराइड दैट इज सिक्सटी मल्टीप्लाइड बाई टेन टू वी पावर माइनस सिक्स फैराड और सप्लाई वोल्टेज भी इज कल टू वी आर एम एस इज गिवन वन टेन वोल्ट और फ्रीकुंसी एन इजकल टू सिक्सटी हर्च फ्रीक्वेंसी ऑफ इज सी इज सिक्सटी हर्च आर एम एस वैल्यू ऑफ करेंट मालूम करना है सर्किट में आई आर एम एस इजकल टू वाट और यहाँ सर्किट में सर्किट को स्केच भी किया जा सकता है यहाँ केवल कंडेंसर इसमें लगा है और कंडेंसर का कैपेसिटेंस भी दिया है दिया गया है और इसको एक ए सी सप्लाई से कनेक्ट किया जाता है सिम्बॉल ऑफ ए सी दिस ए सी प्लेटफॉर्म को एक, एक सर्किल के अंदर इन सर्किल कर दिया गया है घेर दिया गया है तो ए सी सोर्स का सिम्बॉल हो गया और सप्लाई वोल्टेज भी इजकल टू तो वी आर एम एस दिया है वन टेन यहाँ है वन वन टेन वोल्ट और फ्रीक्वेंसी इज फिफ्टी हर्च अब इसमें कंडेंसर जोड़ने से करंट कंडेंसर करंट को रेगुलेट कर देगा इसमें इस एसी सर्किट में करंट आई फ्लो करेगा तो आई आर एम मालूम करना है यहाँ आई द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट ये कंडेंसर है जिसका कैपेसिटेंस सी है कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हो जाएगा एसी सी सोर्से जोड़ने पर तो कलेक्टर प्लेट पॉजिटिव और कंडेंसिंग प्लेट पर निगेटिव चार्ज उसके इनर साइड पर डेवलप होगा तो अब यहाँ पर आर्म का फिर जो रिलेशन है आर का पिक वैल्यू के साथ फॉर्मूला आई इजकल टू आई आर एम एस आई नॉट वाई रूट टू तो आई नॉट तो यहाँ पर पिक वैल्यू ऑफ एसी मालूम नहीं द, दिया नहीं है प्रॉब्लम में इट इज़ नॉट गिवन इन द प्रॉब्लम पिक वैल्यू ऑफ एसी सो फिर से एक बार ओम स्लॉ का यूज करना होगा इवनिंग ओम्स लॉ वी हैव आई आर एम एस आई इजकल टू वी वाई आर इन रजिस्टिव सर्किट लेकिन यहाँ कैपेसिटिव सर्किट है तो भी तो होगा भी मतलब भी आर एम एस आई आर एस इजकल टू वी आर एस अपन रजिस्टेंस यहाँ पर कैपेसीटिव रिएक्टेंस होगा कैपेसीटर जो करेंट के कैपेसीटर करेंट के फ्लो में जो अपोजिशन ऑफर करेगा उसको कैपेसिटिव रिएक्टन्स कहा जाता है द अपोजिशन ऑफर्ड बाई द ऑफर्ड बाई द कैपेसिटर टू फ्लो ऑफ करेंट इन द सर्किट इज कॉल्ड कैपेसिटिव रिएक्टेंस और उसका सिंबल होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस का एक्सी और डिनोट करते हैं वन बाई सी ओमेगा एक्सी इजकल टू एक् एक्सी कैपेसिटिव रिएक्टेंस तो आई आर एस इजकल टू वी आर बाई वी आर एस अपॉन एक्सी और एक्सी का डायमेंशन वही होगा यूनिट वही होगा जो रेजिस्टेंस का होता है रजिस्टेंस के बदले में कैप्सिटिव सर्किट में कैप्सिटिव रिएक्टेंस है जिसका सिम्बॉल एक्सी है और एक्सी इजकल टू वन बाई सी ओमेगा फार्मूला कैप्सिटिव रिएक्टेंस का वन अपॉन सी ओमेगा वी हैव सी ओमेगा ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में और सभी चीज़ सभी डाटा प्रॉब्लम में गिवन है तो देयर फोर आई आर एम एस आई आर एम एस इक्वल्स टू वी आर एम एस मल्टीप्लाइड बाई सी ओमेगा एंड इट इज इक्वल टू वी आर एम एस आई आर एम एस इक्वल टू वी आर एम एस मल्टीप्लाइड बाई सी ओमेगा टू टू पाई एन ओमेगा इक्वल्स टू टू पाई एन एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इक्वल टू टू पाई टाइम्स फ्रीक्वेंसी ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है कोनी आवृत्ति हिंदी में कहा जाता है और एन फ्रीक्वेंसी जिसे हिंदी में आवृत्ति कहा जाता है तो कोनी आवृत्ति ओमेगा फ्रिक्वेंसी एन का टू पाई टाइम होता है टू पाई टाइम्स अभी आर एस दिया है वन ट्वेंटी वोल्ट एन कैपेसिटर का कैपेसिटेंस दिया है सिक्सटी माइक्रोफर दैट इज सिक्सटी इंटू टेन टू पावर माइनस सिक्स इंटू टू और पाई थ्री पॉइंट वन फोर और ट्वेंटी टू बाई सेवन थ्री पॉइंट वन फोर एंड फ्रीक्वेंसी इज गिवन सिक्सटी फ्रीक्वेंसी इज ऑल्सो सिक्सटी और इजेयर सभी को मल्टीप्लाई करने के बाद हम आई आर एम एस इक्वल्स टू टू पॉइंट फोर नाइन एम डेट इज टू पॉइंट फाइव एम अप्रोक्सीमेटली ऑप्टेन किया जा सकता है आई आर मेसेज कल्टो टू पॉइंट फोर नाइन नाउ क्वेश्चन नंबर सेवन पॉइंट फाइव विच इज ऑल्सो द लास्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस वीडियो इन एक्सरसाइज सेवन पॉइंट थ्री एंड सेवन पॉइंट फोर वाट इज द नेट पावर एब्जॉर्ब बाई इच सर्किट ओवर ए कंप्लीट साइकिल एक्सप्लेन योर आंसर एक्सरसाइज सेवन पॉइंट थ्री प्रॉब्लम सेवन पॉइंट थ्री जिसमें कि इंडक्टिव सर्किट था जो केवल ए सी इंडक्टिव सर्किट था जिसमें इंडक्टर ए सी सोर्स से कनेक्टेड था और सेवन पॉइंट फोर प्रीवियस प्रॉब्लम जिसमें कि कैपेसिटिव जो कि कैपेसिटिव सर्किट था जिसमें एक कंडेंसर ए सी सोर्स से कनेक्टेड था तो दोनों के केस में नेट पावर इस सर्किट के द्वारा मतलब इंडक्टिव सर्किट के द्वारा तथा कैपेसिटिव सर्किट के द्वारा कितना पावर एक कंप्लीट साइकिल ऑफ एसी में एब्जॉर्ब होगा ये मालूम करना है और पावर एक्सप्लेन योर आंसर तो इन सेवन पॉइंट इन एक्सरसाइज इन प्रॉब्लम इन एक्सरसाइज इन एक्सरसाइज सेवन पॉइंट थ्री और इन प्रॉब्लम सेवन पॉइंट थ्री डेट इज एन इंडक्टिव सर्किट इंडक्टिव एसी सर्किट एसी वोल्टेज एसी सप्लाई वोल्टेज वाइज कनेक्टेड टू एसी सप्लाई सोर्स वाज कनेक्टेड इन सेवन पॉइंट थ्री ए सी सप्लाई वोल्टेज वाज कनेक्टेड टू एन इंडक्टर सो पावर एवरेज पावर सप्लाई टू द सप्लाई टू द सप्लाई बाई ए सी टू दपेसिटी एंड टू द इंडक्टर इज एवरेज पावर पी एवरेज पी ए भी लिख सकते हैं नहीं तो पी को एंगुलर ब्रैकेट में रखा जा सकता है यथि पी को एंगुलर ब्रैकेट के अंदर एंगुलर ब्रैकेट सिंबल के अंदर रखा जा सकता है ये भी एवरेज पावर का सिंबल हो गया तो एवरेज पावर होता है इसमें इंडक्टिव सर्किट में इंस्टेंटेनियस पावर इंस्टेंटेनियस पावर भी वी इंटू आई और उसका लेफ वन कंप्लीट साइकिल में एवरेज ले लिया जाएगा तो भी इजकल टू भी इंटू आई तो भी आर एम एस टू भी, भी नॉट साइन ओमेगा टी मल्टीप्लाइड बाई आईज आई, ज, आई साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू क्योंकि इंडक्टिव सर्किट में करंट वोल्टेज से पाई बाई टू एंगल से पीछे रहता है इसको हमने देखा तो यहाँ पर एवरेज पावर इंस्टेंटेनियस पावर पर एवरेज ले लिया गया इंस्टेंटेनियस पावर पी इंटू वी टू आई और उस पर वन कंप्लीट साइकिल में उसका एवरेज ले लिया गया तो भी नॉट साइन ओमेगा टी भी का वैल्यू इंस्टेंटेनियस वोल्टेज का वैल्यू और आ, इंस्टेंटेनियस करंट का वैल्यू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू तो ये दोनों का प्रोडक्ट इंस्टेंटेनियस पावर हो गया लेकिन इसको एवरेज इसका एवरेज वैल्यू ले लिया गया तो यहाँ पर एंगुलर ब्रैकेट्स सिंबल में रखा गया जिससे कि एवरेज वैल्यू कैलकुलेट हो सके तो भी नॉट इंटू आई नॉट एक साथ कर दें साइन ओमेगा टी अब यहाँ पर टू से मल्टीप्लाई कर देते हैं और ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में टू साइन ओमेगा टी एंड साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू इजकल टू माइनस कॉस ओमेगा टी ये माइनस कॉस ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगाटी टू से नीचे भी मल्टीप्लाई करना है नीचे नीचे भी टू से मल्टीप्लाई करना होगा चूँकि नोमिनेटर में किए हैं तो डिनोमिनेटर में भी करना होगा तो अब यहाँ पर ऐसा करने के पीछे मकसद था कि टू साइन ओमगाटीन टू कॉस ओमगाटी साइन टी, टू ओमेगाटी फार्मूला होता है माइनस को बाहर कर लेते हैं इस एंगुलर ब्रैकेट एवरेज सिंबल एवरेज एवरेज का जो सिंबल है एंगुलर ब्रैकेट उसके बाहर कर लिया गया माइनस और भी नॉट आई नॉट पिक वोल्टेज और पिक करेंट इसको भी कॉन्स्टेंट है अपॉन टू बाहर कर दिया गया अब टू साइन होगा टी टू कॉस ओमगा टी माइनस को बाहर कर दिया गया तो टू साइन हो गया टीन टू कॉस ओमगा टी साइन टू ओमेगा टी साइन टू ओमेगा टी और एवरेज वैल्यू साइन टू ओमेगा टी का साइन टू ओमेगा टी इंटीग्रल करके निकाला जा किया जा सकता है इंटीग्रल जीरो टू टी वन कंप्लीट साइकिल ऑफ ए सी में टाइम पीरियड के इक्वल टाइम तो जीरो टू टी साइन टू ओमेगा टी डी टी का इंटीग्रेशन जीरो हो जाएगा तो इसका साइन इसका एवरेज वैल्यू जीरो तो माइनस वही नॉट आई नॉट अपॉन टू मल्टीप्लाइड बाई जीरो साइन चूँकि एवरेज वैल्यू ऑफ साइन टू होम गया टी इज जीरो देयर फोर एवरेज पावर सप्लाइड टू द सप्लाइड बाई ए सी टू एंड इंडक्टर इज एंड टू एंड इंडक्टर इज जीरो फोर देयर नो देर इज नो पावर लॉस इन इन ए इन एन इंडक्टिव सर्किट तो पहले पार्ट का तो आंसर हो गया प्रॉब्लम एक्सरसाइज सेवन पॉइंट थ्री में कितना एक साइकिल में ए सी द्वारा सप्लाई किया जाएगा ए सप्लाई वोल्टेज द्वारा मतलब ए सोर्स के द्वारा कितना पावर सप्लाई किया जाएगा इंडक्टर को तो वह पावर जीरो है एवरेज पावर जीरो सो देर इज़ नो पावर लॉस इन एंड इंडक्टर नाउ इन इन कैपेसिटिव ए सर्किट अगेन वी कैन कैलकुलेट एवरेज पावर और वह भी जीरो होगा जिसको हमने प्रीवियस वीडियोज में दोनों को इंडक्टिव सर्किट और कैपेसिटिव सर्किट के वीडियोज में मैंने पावर सप्लाइड बाय एसी टू एन इंडक्टर एंड कैपेसिटर दोनों के लिए एक्सप्रेशन निकाला था दोनों का पावर जीरो एवरेज पावर मैंने कैलकुलेट किया था और इस प्रॉब्लम में भी वही करना है तो एक्सरसाइज सेवन पॉइंट फोर और सेवन पॉइंट फोर क्या है एसी वोल्टेज ए, एसी वोल्टेज और ए सी सोर्स कनेक्टेड टू कैपेसिटर ओनली दैट इज कैपेसिटिव वैसी सर्किट कैपेसिटिव उसे कैपेसिटिव एसी सर्किट कहा जाता है जिस ए सी जिसमें कि ए सी सोर्स को कैपेसिटेंस से कनेक्टेड किया जाता है कैपसिटी वैसी सर्किट तो एवरेज पावर सप्लाइड बाई ए सी टू ए कैपेसिटर इज पी एवरेज और पी और को एंगुलर ब्रैकेट के अंदर रखा जा सकता है एवरेज का ए वी सिम्बॉल होता है इंटरन तो इंस्टेंटेनियस पावर पी वोल्टेज इंटू करंट इस पर एवरेज कर दिया गया वन कंप्लीट साइकिल में तो वोल्टेज इंटू करंट ये भी इंटू आई इंटनटेनियस पावर उस पर एवरेज वन कंप्लीट साइकिल में तो एवरेज पावर हो जाएगा अब यहाँ पर भी इजकल टू भी इजकल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है इंस्टेंटेनियस इंस, इंस, इंस इंस वैल्यू ऑफ वोल्टेज वोल्टेज को एक्सप्रेस कर सकते हैं वी नॉट साइन ओमेगा टी कैपेसिटिव सर्किट है तो हमने देखा था कैपेसिटिव सर्किट में कि करंट वोल्टेज से ए सी करंट ए सी वोल्टेज से पाई बाई टू एंगल से लीड करता है तो यहाँ पर करंट के लिए मैं भीज भी इच गर्ट टू वी नॉट साइन ओगा टी और करंट को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू पाई पाई बाई टू ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू और एंगुलर ब्रैकेट के अंदर रहेगा एंगुलर ब्रैकेट इधर भी आर एच एस में भी डैट इज वी नॉट आई नॉट को एक साथ कर देते हैं और यहाँ पर फिर टू साइन इन साइन ओमेगा टी मल्टीप्लाइड बाई साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू डेट इज कॉस ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी और एंगुलर ब्रैकेट यहाँ भी इसको क्लोज कर दिया गया है एंगुलर ब्रैकेट आर एच एस में भी ये राइट right साइड में भी लगा करके एवरेज वैल्यू को के लिए सिम्बॉल है और यहाँ पर फिर टू से न्यूमरेटर तथा डिनोमिनेटर में यहाँ पर मल्टीप्लाई किया जाए तो वी नॉट आई नॉट टू से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे टू वी नॉट आई नॉट बाई टू कर दें और यहाँ टू टू से हम मल्टीप्लाई करना है जिससे कि साइन टू ओमेगा टी के फॉर्म में आ जाए तो टू साइन साइन टू साइन ओमगा टी इं टू कॉस ओमगा टी और ये टू से न्यूमरेटर तथा डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करने के बाद टू साइन omega टी इंटू कॉस ओंगा टी डैट इज साइन ओंगा टी अब वी नॉट आई नॉट बाई टू कॉन्स्टेंट टर्म है वी नॉट पिक वैल्यू ऑफ वोल्टेज है आई नॉट पिक करेंट है ए सी का टू भी नंबर है बाहर कर दिए और टू साइन ओमगाटी टू कॉस ओमगाट दट इज साइन टू ओमगाटी एवरेज वैल्यू ऑफ साइन टू ओमगाटी जिसे एंगुलर ब्रैकेट में रखा गया है कि अंदर साइन टू ओमगाटी मीन्स एंगुलर ब्रैकेट रिप्रेजेंट करता है एवरेज वैल्यू और साइन टू ओमगाटी टू ओमगाटी का वन कंप्लीट साइकिल में एवरेज वैल्यू टू जीरो टू टू इंटीग्रेट इंटीग्रेशन जीरो टू टी साइन टू ओमगा टी डी टी करके उसको इंटीग्रेट करने पर फिर वैल्यू उसका जीरो आ जाएगा तो साइन टू ओमगाटी का एवरेज वैल्यू जीरो यहाँ पर भी वी नॉट आई नॉट अपॉन टू मल्टीप्लाइड बाई जीरो साइन टू ओम गैटी का एवरेज वैल्यू जीरो डैट इज जीरो तो यहाँ पर भी एवरेज पावर सप्लाइड बाई ए सी टू ए कैपेसिटर इज जीरो दैट इज देर इज नो पावर लॉस इन ए कैपेसिटर इन ए कैपेसिटिव सर्किट कंटेनिंग ए सी ए सी सर्किट कंटेनिंग ए सी सर्किट देर इज नो पावर लॉस पावर लॉस इन अ कैपेसिटर विच इज़ कनेक्टेड टू एन ए सी सोर्स और ए सी सप्लाई वोल्टेज तो एवरेज पावर सप्लाइट टू ए कैपेसिटर इन ए कैपेसिटिव सर्किट इज अगेन जीरो और इंडक्टिव सर्किट में जो सेवन पॉइंट एक्सरसाइज थ्री था उसमें भी हमने ओपेन किया एवरेज पावर सप्लाइट टू ए कैपेसिटर बाई ए सी सर्किट इज ए सी सोर्स और ए सी सर्किट इज जीरो और इसी के साथ इसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के साथ ये पार्ट फाइव चैप्टर सेवन करंट अल्टरनेटिंग करंट ए क्लास ट्वेल्व का समाप्त होता है यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें दूसरों से शेयर करें तथा सब्सक्राइब करना भी ना भूलें थैंक यू वेरी मच